लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप घर के अंदर रहें, क्योंकि बाहर हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। So hi guys, my name is Shubham Tripathi and I'm a COVID recovered patient. I tested positive for COVID on 8th of April and here is my story of recovery and experience of COVID-19. So इस वीडियो में मैं आपसे सारी डिटेल शेयर करूँगा जिसने मुझे कोविड से रिकवर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। नंबर वन, आपको अपनी बॉडी में विटामिन्स और प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाना है, आपको अच्छे से खाना है और आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है एटलीस्ट एक मंथ तक। अगर आप कोविड से रिकवर आप नेगेटिव हो भी गए उसके बाद भी आपको ये चीज़ कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि मैं आज 45 डेज हो चुके हैं उसके बाद भी मैं ये चीज़ को मेंटेन रख रहा हूँ। सेकंड थिंग कि जब भी आप पानी पियो तो गर्म पानी पियो और स्टीम आप कम से कम 4 से 5 बार दिन में लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोविड से रिकवर हो रहे, क्योंकि ये आपको लंग्स आपके बॉडी का सर्कुलेशन तो बढ़ाता है, आपके लंग्स को भी पावर देता है। सेकंड, इसके अलावा जो चीज़ आप कर सकते हो वो है आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ये चीज़ लोग कम अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग फेज में क्या होता है ना, जब आप कोविड पॉजिटिव होते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो लोग ये कर नहीं पाते क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती। सेम चीज़ मेरे साथ भी होती है, लेकिन धीरे धीरे मैंने आदत डाली एंड उसके बाद इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सोशल मीडिया से दूर रहो अगर आप कोविड रिकवरी पीरियड पे हो तो, क्योंकि कोविड लाइक ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा डेथ्स और न्यूज़ ऐसी आती हैं कि कोई भी पैनिक हो जाएगा। और अगर कोई कोविड पेशेंट है, जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो सेम चीज़ मेरे साथ होती, पैनिक होता ही है इंसान इस सिचुएशन में, बट हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि हम कामली रेस्ट कर सकें और जल्दी रिकवर हो सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कोविड अगर आपको हुआ है तो ये फॉलो करनी है, ये आपको मदद करेंगे कोविड से जल्दी रिकवर होने में। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि रिकवरी रेट इंडिया का बहुत अच्छा है, तो इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। अगर आप माइल्ड स्टेज पर हो तो आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सबसे पहले खुद से ट्रीटमेंट कोई भी मत करना, वो केस बिगड़ जाते हैं और मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा होते हुए। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और उनके अकॉर्डिंगली आप जो भी है दवाइयाँ वगैरह वो स्टार्ट करो। तो दिस इज़ द बेस्ट वे अगर आपको जल्दी रिकवर होना है। और सबसे मेन चीज़ कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो उस चीज़ को इग्नोर मत करो, उसको कोई नॉर्मल वायरल फीवर या ये सब नाम मत दो, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी चल रही कि ये कोविड बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो सबसे पहले आप टेस्ट कराओ, और अगर आप पॉजिटिव नहीं होते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाते हो तो भी कोई पैनिक होने की बात नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करो और वो जैसा बोलते हैं आपको वैसा ही करना, वही सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोविड से जल्दी रिकवर हो सकते हो। बाकी रिकवर सब हो रहे हैं और इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। इस चेन को ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम घर पे रहें, और अगर बाई चांस हम इन्फेक्ट होते भी हैं तो हमसे कोई इन्फेक्ट ना हो, हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है ही, और उसके साथ साथ घर पर रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सिचुएशन की गंभीरता को समझो आप लोग, सिचुएशन अभी काफ़ी ख़राब है वहाँ, तो जितना घर पे रह सको आप रहो, उसके बाद आप सब लोग खुद समझदार हो। और मुझे लगता है कि इतना मुझे इस पर बोलने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल्स आर अवेयर एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो इसके साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। आई होप आप लोग को इससे थोड़ी बहुत हेल्प भी मिली होगी। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए है कि पर्सनली मैंने क्या प्रिकॉशन लिए, वो सारी मैंने डिटेल शेयर कर दी है। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरे एंड से जो भी हेल्प होगी मैं डेफिनेटली करूँगा। तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, घर पे रहें, सेफ रहें। जय हिंद।